इंडिया की कैपिटल दिल्ली में बसी है एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां होने पर आपको एहसास होगा कि आप तिब्बत में हैं, और वो जगह है मजनू का टीला। ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी किनारे बैठ एक ईरानी मजनू फकीर ने ध्यान लगाया था, जिनकी वजह से इस जगह को मजनू का टीला नाम मिला। लेकिन इस जगह को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि न्यू अरुणा नगर, चोंग टाउन और सैमियलिंग। आज ये जगह इतनी फेमस है कि आपको यहाँ सबसे ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स और टूरिस्ट नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ देखने को है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, तिब्बती मार्केट और तिब्बती कल्चर। आप ये फ्लैग देख रहे हो? इन फ्लैग को देखने के बाद आप में से बहुत लोग कह सकते हो कि हाँ, ये तिब्बती फ्लैग्स हैं, क्योंकि इनमें लिखा हुआ भी जो है तिब्बती भाषा में है। और सच में अभी तक जो वाइब है, तिब्बत महसूस करा रही है। बाहर से देखने पर भले ही आपको यह जगह छोटी सी नज़र आए, लेकिन अंदर से देखने पर उतनी ही वाइब्रेंट है यहाँ की स्ट्रीट मार्केट, क्योंकि यहाँ हर चार कदम पर बनी है ये छोटी छोटी तिब्बती दुकानें, और इन दुकानों पर मिलती हैं ऐसी ड्रेसेस जो या तो इम्पोर्टेड होती है या फिर इंडिया के बेस्ट फैब्रिक मिल से बनकर आती है। इसलिए यहाँ होती है बजट फ्रेंडली शॉपिंग, जो कि दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट बजट फ्रेंडली स्ट्रीट मार्केट में आती है। लेकिन यहाँ के दुकानदार इतने फ्रेंडली हैं कि आपको महसूस ही नहीं होगा आप पहली बार आए हैं। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया। अच्छा, ये जो एरिया टोटली है, ये आप सब तिब्बती हो या फिर नेपाली भी हो या मिक्स हो? तिब्बतन लोग हैं। ना, अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ से? आप भी तिब्बती हो? क्या कहोगे, सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है, फीमेल्स या मेल्स? लड़के करते हैं, लड़कियाँ? लड़कियाँ सबसे ज्यादा परेशान। क्लॉथ मार्केट के बाद यहाँ कुछ दुकानें ऐसी भी है जहाँ आपको नूडल लवर्स की एक अलग से भीड़ नजर आएगी, क्योंकि यहाँ बजट फ्रेंडली शॉपिंग के साथ कुछ पैक्ड कोरियन फूड भी मिलते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। हमारे भारत में बुद्धिज्म को फॉलो करने वालों की संख्या 1% से भी कम है, जिनमें से कुछ मजनू के टीले में रहते हैं, क्योंकि यहाँ बने हैं 2 तिब्बती टेंपल। ये टेंपल बाहर से देखने पर आपको तिब्बत में होने का एहसास कराते हैं, और जब आप इन प्रेयर व्हील्स को घुमाते हैं तो मानो ऐसा महसूस होता है कि आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई हो। यहाँ हर साल तिब्बती साकादावा, लोसार और दलाई लामा बर्थडे सेलिब्रेट होता है। समटाइम्स ना व्लॉगिंग एक चैलेंज हो जाता है। जैसे कि आज की बात करूँ तो आज का जो अधिकतम तापमान यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 44°C। इस जगह के फेमस होने का एक कारण यह भी है कि यहाँ हर छोटी छोटी गलियों में है कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स एंड कैफे जो सर्व करते हैं इंटरनेशनल कुजीन के बेस्ट एंड डिलीशियस फूड। और यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिशेस में से एक है लाफिंग, जिसको खाने के लिए आपको लंबी लाइन में लगकर अपने बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो चाइनीज़ प्लस कोरियन फूड सर्व करते हैं, और ऐसे ही 2 रेस्टोरेंट हैं जहाँ मैं जाने वाला हूँ। पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस फेमस नॉर्वांग कैफ़े का इंटीरियर, और इसके बाद अब मैं जाने वाला हूँ सिक्किम रेस्टोरेंट और वहाँ करने वाला हूँ कुछ फूड ट्राई। सो मीनवाइल मैं अभी इस समय बैठा हूँ सिक्किम रेस्टोरेंट में, जो न्यू अरुणा नगर यानी कि मजनू का टीला का फेमस एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ मैं ऑर्डर करने वाला हूँ एक वेज प्लेटर। और अब आप सामने देखो, ये रखा है प्लेटर, इसमें पनीर है, देसी लैंग्वेज में बोले पनीर है, थोड़ा राइस है, राइस के बाद थोड़ा सा यहाँ मोमोज है, फ्राइड मोमोज है, सैलेड है, और ब्रोकली के ऊपर हल्के से लीव्स हैं। तो ये रखते हैं यहाँ मोमोज ट्राई करने के बाद एक चीज़,
इसकी फीलिंग में फील हुआ है कि उन्होंने अदरक प्याज ये सब चीज़ें सॉरी अच्छे से मिक्स करके कर रखा है, ब्लेंड बहुत अच्छे से है। ये स्पाइसी है, ये सॉसेस स्पाइसी, आई थॉट ऑफ कि ये नॉर्मल होगा बट इसकी हल्की सी बाइट लेना आहा एक अलग ही फील। सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर राइस एंड मंचूरियन है या फिर ये ग्रेवी पनीर है आई डोंट नो बट ये मिक्स वेज। अच्छा मिक्स वेज में है। सो इट इज़ माई फर्स्ट बाइट एंड चीयर्स। कोई अदर कस्टमर अंदर ना एंटर कर जाए इस टाइम पे। राइस इनका रेगुलर राइस है मेरा नॉर्मल। इनमें जो राइस के अंदर वैगी यूज़ की है वो हार्ड है काफ़ी, मतलब अच्छे से बॉइल नहीं है तो ठीक है, क्रंची टाइप में है। रही बात अब ये इसकी, हम जो पनीर टेस्ट करने वाले हैं तो अब जो पनीर टेस्ट करने वाला हूँ मैं देखता हूँ कैसा है ये। मैं बेस्ट तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हाँ गुड, अच्छा है। भाई को बोलूँगा ना राइस पेपर हमने ये जरा सा खाया है पीछे पड़ जाएंगे बोलूँगा बाहर का हमने कहा था पर यार इसमें तो आएगा वीडियो में पैसे भी दिखाने बोलूँगा नॉर्मल ही था। बंद है ना, बंद है। समटाइम्स सोलो व्लॉगिंग में हमें सेकेंड हैंड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक मदद की। और यहाँ पे एक भैया बैठे हैं, इनसे मैंने व्लॉगिंग के टाइम पे कैमरा पकड़वा के थोड़ी सी मदद कराई थी। थैंक यू भैया, क्या नाम है आपका? आशु।